हमारे साथ समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान मौजूद हैं। अतुल जी, आज बड़ी बैठक अखिलेश यादव ले रहे हैं, क्या कुछ इसके मेजर पॉइंट्स रहने वाले? देखिए, मेजर पॉइंट्स यही है कि भाई नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है, महासचेतक का चयन होना है। इसके साथ साथ किस तरीके से सरकार की जो नाकामियां हैं वो सदन में हम किस तरीके से उजागर करें, कहीं क्वेश्चन के रूप में जो क्वेश्चन लगते हैं उनके रूप में, कहीं जो परेशानी दिक्कत अलग अलग क्षेत्रों से, इसीलिए सदन बना है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि 5 दिन का समय रखा है, सदन का समय बढ़ाया जाए। जहां उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है, 403 MLA हैं, वहां समय नहीं मिलता और ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती नहीं है, संविधान में विश्वास रखती नहीं है, इसीलिए सदन को चलाना नहीं चाहती। तो हमारा सबसे पहले तो यही आपके माध्यम से कहना है, अगर सरकार के लोग सुन रहे हैं उनकी थोड़ी भी लोकतंत्र में आस्था हो, हालांकि जनता ने इनको आईना दिखाने का काम 2024 में किया है, आने वाले समय पर भी निश्चित रूप से इनको जनता, चाहे उपचुनाव हो या उत्तर प्रदेश की असेंबली का चुनाव हो, लगभग लगभग जनता अभी से मन बना रही है कि इनको हटाया जाए और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किस तरीके से सरकार जल्द से जल्द बने। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शाम तक क्लियर हो जाएगा कि पहली बात तो नेता विरोधी दल कौन रहेगा और मुख्य सचेतक कौन रहेगा। नहीं, ये सही बात है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोच लिया होगा या वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर कुछ ना कुछ आज शाम तक नेता प्रतिपक्ष और महासचेतक के रूप में। प्रधान क्या चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का भी नाम चल रहा है, इंद्रजीत सरोज का भी नाम चल रहा है, रामचंद्र? हम लोग पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो चीज तय करेंगे उसको हम सब लोग स्वीकार करेंगे। मेरा आखिरी सवाल भी है, बीजेपी का अंतर्कलह सामने है, क्या कल सेशन जब शुरू होगा आप लोग इस बात को भी उठाने वाले हैं मुख्यमंत्री के सामने? नहीं, निश्चित रूप से क्या नाम अंतर्कलह जब होगा तो ये लोग जो दूसरों के घर में आग लगाया करते थे, दूसरों में फायर डालने का काम करते थे, लोग विधायकों को खरीदना, विधायकों को इस तरीके से, आप समझिए कि क्या नाम आज इनके घर में खुद में आग लगी हुई है। मुख्यमंत्री कौन, अब ये पता चल रहा मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, इसी तरह की चीजें इस समय पर बन रही हैं। कभी उप मुख्यमंत्री भागते हैं दिल्ली की तरफ, कभी दूसरे उप मुख्यमंत्री भागते हैं, कभी सांसद कोई सा इनका कुछ बोल देता है, कभी पूर्व मंत्री कुछ बोल देता है, कभी जो है इनके पूर्व मंत्री कुछ बोल देते हैं, तो यही चीज चल रही है। वाईफाई पासवर्ड है केशव प्रसाद मौर्य यहाँ। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ सोच समझ के बोले होंगे, है तो ऐसा ही। कितने अतुल प्रधान है यहाँ पर और अखिलेश यादव भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, तमाम विधायकों के बीच में अखिलेश यादव एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं, इसमें माना जा रहा है कि तय हो जाएगा। क्या कुछ होने वाला है आज बैठक में, नाम तय हो रहा है अभी? ये सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला। तमाम विधायक हैं वो निकल रहे हैं और तमाम देखिए गाड़ियां काफिले जो विधायकों के हैं, बड़े नेताओं के हैं, वो देखिए यहां से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक की मानी जा रही है। देखिए तमाम विधायकों की गाड़ियां आपको यहां से निकलती नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक आज जो है एकत्रित हो रहे हैं, रीजन ये है कि बड़ी विधायक दल की बैठक है आज। बड़ी बैठक है आप लोग कैसे देख रहे हैं, कौन बनेगा यहाँ पर नेता विरोधी दल? कल जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा 11 बजे चलेगी तो इस देश के अंदर जो बिजली को लेकर के हाहाकार है, जो बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, महंगाई चरम, इस मुद्दे पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराएंगे। विरोधी दल का नाम तो बता दिया। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये बड़ा सवाल है और नेता विरोधी दल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, हमारा विषय है जो महंगाई है। तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर की, जहां तमाम नेता विधायक समाजवादी पार्टी के पहुंचने शुरू हो गए हैं, काफी कुछ इसमें रहने वाली है चीजें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह है, घोसी से विधायक है। सुधाकर जी, आप लोग आज बैठक के लिए आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है आज की बैठक में? हम लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश गया है, हम लोग आए जी। क्या क्या होगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता सकते। माना जा रहा है कि आज नेता प्रतिपक्ष का जो चेहरा है वो सामने आ जाएगा, कौन है वो ये तो वही बता सकते हैं ना। ये सब मामला मैटर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हम लोग पालन करने वाले हैं। आप लोग चाहते हैं शिवपाल सिंह यादव या इंद्रजीत सरोज या रामचंद्र राजभर में से कौन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का देंगे, जो उनकी चाह होगी वही हमारी चाह है। सेशन शुरू हो रहा है, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं? सदन तो इसीलिए चलता है कि मुद्दा उठे, अब जैसा निर्देश होगा मुद्दा उठेगा। देख सकते हैं अभी विधायक है, तमाम पीछे देखिए तमाम नेता है, उनसे ही बात करेंगे। तस्वीर आपको दिखाते चल रहे हैं, तमाम विधायक है समाजवादी पार्टी के। सर, आप लोग आज यहाँ आए हैं, विधायक हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्या रणनीति रहने वाली है कल सेशन को लेकर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक बुलाए हैं, मीटिंग ले रहे हैं, अब तो वही बताएंगे कि आज की बैठक के मुद्दे क्या है और चुनाव होना है नेता प्रतिपक्ष का, मुख्य सचेतक का, विधानमंडल दल गठबंधन, विधानमंडल दल का के नेताओं का चुनाव होना है, तो हम हो सकता है इसी संबंध में बैठक बुलाएंगे। नहीं तो नेता प्रतिपक्ष का नाम और चेहरा सामने आएगा, आप लोग किसको चाहते हैं, कौन बने? तीन नाम बड़े प्राथमिकता चल रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिपाही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे वही हम चाहते होंगे। नहीं नहीं, हम हमारा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस जो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का वही हमारा। परिचय दीजिए। आनंद यादव, विधायक कैसरगंज बहराइच। बहराइच से विधायक हैं, तमाम आपको चेहरा दिखा दें, तमाम विधायक तमाम नेतागण यहाँ पहुंच रहे हैं। बड़ी बैठक मानी जा रही है दो लिहाज से, पहली बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर तीन नाम चल रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव,
इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर, जिसमें से दो आप देखिए जो तीनों ही पीडीएम में फिट होते हैं, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में यादव चेहरे को बना दिया है वहां का प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तो अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी फिर से यादव चेहरे के साथ यानी कि शिवपाल सिंह यादव के साथ जाएगी नंबर एक, या फिर पीडीए की साइकिल पर कहीं ना कहीं पार्टी मुखर नजर आएगी और इंद्रजीत सरोज या फिर राम अचल राजभर को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्य सचेतक की जो पोस्ट है जो मनोज पांडे के बाद खाली हुई है क्योंकि उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद मुख्य सचेतक की भूमिका में कौन नेता नजर आएगा ये भी गौर करने वाला है। तमाम नेतागण यहाँ पर देखिए पहुंच रहे हैं, तमाम नेता एक के बाद एक आ रहे हैं यहाँ पर और गाड़ियों का सिलसिला आने का शुरू हो गया है। तो कहानी कुल मिलाकर यही है कि बड़ी बैठक पार्टी की है और माना जा रहा है दोपहर से शाम तक सामने आ जाएगा नेता प्रतिपक्ष का चेहरा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।